नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी के बीच वार और पलटवार सामने आया। बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही सीटों को लेकर महागठबंधन का झगड़ा भी सामने आया। कोऑर्डिनेशन कमेटी का पुराना मुद्दा भी सामने आया। सवाल ये था कि क्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ही आरजेडी से नाराज हैं? दूसरे सहयोगी दलों का स्टैंड क्या है? उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहती है, उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहते हैं, कांग्रेस क्या चाहती है? क्या जीतन राम मांझी के साथ दूसरे सहयोगी खड़े हैं? ये बड़ा सवाल था, इसका जवाब अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग करते रहे हैं। जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी ये कहती रही है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हो सकते हैं, महागठबंधन का नेता कौन होगा ये महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ही तय करेगी। कांग्रेस भी अब इसी सुर में सुर मिला रही है, मांझी के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने आज बड़ा बयान दिया है और संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, कांग्रेस की राय क्या है और आने वाले दिनों में कांग्रेस का तेवर किस तरह का रहने वाला है। मदन मोहन झा ने कहा है कि तेजस्वी यादव बिल्कुल शब्द वही हैं जो जीतन राम मांझी के रहे हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हो सकते हैं, महागठबंधन के नेता नहीं हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के नेता हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी हमारे नेता हैं। महागठबंधन का नेता कौन होगा ये महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग का भी उन्होंने समर्थन किया है और मदन मोहन झा ने कहा है कि ये मांग सही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, काफ़ी वक्त बीत चुका है, अब जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी पर कोई फैसला हो जाना चाहिए। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर सवाल है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को बार बार खारिज किया जा रहा है, कभी बिल्कुल खुलकर और कभी सधे हुए शब्दों में। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तो लगातार ये बात कहती रही है, अब कांग्रेस भी यही कह रही है। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को एक तरह से खारिज किया जा रहा है। मांग उठ रही है कि महागठबंधन का नेता चुन लिया जाना चाहिए। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाया है, दूसरे सहयोगियों को भी ये मंजूर नहीं है। कई बार इस तरह के बयान सामने आए हैं कि सीएम उम्मीदवार कौन होगा यह भी महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में ही तय होना चाहिए। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाया है, महागठबंधन ने नहीं। और आज मदन मोहन झा ने बड़े संकेत दे दिए हैं, बड़ा बयान दे दिया है और आने वाले दिनों में तस्वीर कैसी होगी इसके संकेत मिल गए हैं। ना तो तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी महागठबंधन के दूसरे सहयोगियों को पच रही है और ना ही कोई तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता मानने को तैयार है। कांग्रेस खुद नेतृत्व करना चाहती है, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। बल्कि बयान सामने आए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं सदानंद सिंह, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो कांग्रेस के हाथों में कमान होनी चाहिए। महागठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व संभालना चाहिए। तो जाहिर है मदन मोहन झा के इस बयान को आप इस तरह से देख सकते हैं कि सहयोगी जिस तरह से ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व संभाले तो कांग्रेस गदगद है, खुश है और उस दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षा को भी विस्तार दे रही है और इस वजह से इस तरह का बयान सामने आया है। लेकिन पूरी खबर का, पूरे बयान का लब्बो लुआ यही है कि आरजेडी कहती रहे, ये मैसेज दे दिया है कांग्रेस ने कि आरजेडी कहती रहे तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के नेता हैं, लेकिन महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ही सब कुछ तय करने वाली है। आरजेडी जो कहेगी वो नहीं होगा। तो जाहिर है महागठबंधन में झगड़ा पहले ही सामने आता रहा है, अब आने वाले दिनों में तस्वीर और दिलचस्प हो सकती है, सहयोगी और आक्रामक हो सकते हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।